उत्तराखंड की सरकार कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े लगातार छुपा रही है। रुड़की में जो 5 मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से, पहले तो ऑक्सीजन की कमी से मौतें कैसे हुई, उत्तराखंड सरकार को ये जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, वो 4 तारीख को रात 1:30 बजे मौतें हुई, लेकिन 17 घंटे बाद जब 4 तारीख को शाम 6 बजे आंकड़े जारी किए गए, उन आंकड़ों में हरिद्वार में उन 5 मौतों को उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन में नहीं दिखाया गया। यही नहीं, अगले दिन 5 तारीख को भी एक मौत हरिद्वार में दिखाई गई। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार मौत के आंकड़े लगातार छुपा रही है, और ये आप देखिए शमशान घाटों पे कितनी मौतें की लाइन लगी है, टोकन मिल रहे हैं शव दाह करने के लिए। उत्तराखंड सरकार जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत मौत का बहुत कम यानी 1.10 है, और उत्तराखंड में लगभग 1.5 का औसत है मृत्यु दर का कोरोना से जो मौत हो रही है, वो तब जब ये छुपा रहे हैं। अगर पूरा दिखाएं तो यहाँ बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है उत्तराखंड में।